गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास सिक्स का चैप्टर टू सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर टेन देखेंगे। स्टूडेंट लेक्चर नंबर टेन में हमारा टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज। का मतलब क्या होता है कि कमी के कारण जो बीमारी होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये डिजीज विच अराइज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए डिफिशियंसी डिजीज। यह डिफिशियंसी डिजीज जो होता है ये लॉन्ग पीरियड टाइम तक हमारे शरीर रहता है हमारे पास, क्योंकि यह तुरंत खत्म नहीं होता है, तो इस डिजीज को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। यह विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक है प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। मतलब कि प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में जो बीमारी होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोटीन के कमी के कारण हमारे शरीर में क्वास्क्योर नामक एक बीमारी होता है, जिसको हम लोग कहेंगे द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। हमारा जो डाइट है, भोजन है, उसमें जब प्रोटीन की कमी हो जाता है ऑफ ए स्मॉल चिल्ड्रेन कॉज ए दिस इज नॉन एज द क्वास्क्योर। जो बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे में यह बीमारी होता है प्रोटीन के कमी के कारण। कौन सा बीमारी होता है तो स्टूडेंट क्वास्क्योर होता है। तो यह किसके कमी के कारण होता है तो प्रोटीन के कमी के कारण, और होता किसमें है जरा, यह स्मॉल चिल्ड्रेन में होता है। क्वास्क्योर डिजीज ऑकर इन चिल्ड्रेन ऑफ 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें यह बीमारी जो होता है क्वास्क्योर इज ए प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। या कैसा डिजीज है तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। द मेन सिम्पटम्स ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इन चिल्ड्रेन आर द फॉलोइंग। अब देखेंगे स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इस बीमारी में लक्षण क्या होता है। द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। इसमें जो बच्चे होते हैं उसके जो हेयर होते हैं उनका जो हेयर का जो कलर होता है वह चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक एंड बिकम्स इसलिए, मतलब कि इसका जो स्किन होता है वह क्रैक कर जाता है, रफ सरफेस की तरह होता है। द नेक्स्ट देखेंगे द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेबल। मतलब कि जो बच्चा होता है वह क्या होता है, कमजोर हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है। मतलब कि वह चिड़चिड़ापन, वह जो व्यवहार करता है चिड़चिड़ापन जैसा व्यवहार करता है। तो यह हम लोग क्या देखे, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज देखे। देखेंगे स्टूडेंट डिफिशियंसी डिजीज में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज। इसमें हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिजीज देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रेन कॉज ए डिफिशियंसी डिजीज नॉन एज द मारासमस। इसमें क्या होता है तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कारण, कमी के कारण बच्चों में जो बीमारी होता है उसको हम लोग कौन सा बीमारी कहते हैं, कौन सा डिजीज कहते हैं, तो मारासमस कहते हैं। मारासमस जो होता है इसको मारासमस नाम से जानते हैं। यह किसके कमी के कारण होता है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। मारासमस डिजीज ऑकर इन द इन्फेंट ऑफ अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज। यह क्या होता है, 1 ईयर्स ऑफ एज जो होता है, 1 ईयर्स की एज के बच्चों में यह हो जाता है, इन्फेंट में ही होता है। मतलब कि बच्चा जब छोटा होता है तभी यह हो जाता है। द मेन सिम्पटम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन आर गिवन बिलो। यह दिया हुआ है क्या क्या इसका लक्षण है, लक्षण के बारे में देखेंगे। तो इस देखेंगे द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन। इसमें चाइल्ड जो होता है बहुत ही लीन एंड थिन हो जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे द रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट होता है। इसका जो लुक होता है वेरी प्रोमिनेंट हो जाता है। अब देखेंगे थर्ड नंबर द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। वह एनर्जी के कमी के कारण जो होता है वह मूव नहीं कर पाता है। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप कंप्लीटली। यह बीमारी जब हो जाता है चिल्ड्रेन में तो उसका जो
ग्रोथ होता है वह कंप्लीटली रूप से स्टॉप हो जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट नंबर फोर्थ में द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप कंप्लीटली, मतलब कि बच्चा जो होता है उसका जो ग्रोथ होता है वह कंप्लीटली रूप से रुक जाता है। द चाइल्ड वेट बिकम्स वेरी लो फॉर दिस हिज एज, इस एज में बच्चा का जो वेट होता है बहुत ही कम होता है। द चाइल्ड इज रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, उसका जो स्किन होता है बोन्स जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है। द बोन्स ऑफ चाइल्ड शो थ्रू द स्किन, और उसका जो स्किन होता है स्किन के द्वारा उसका बोन दिखाई देना शुरू होता है, मतलब कि जब हम उसके शरीर पे देखते हैं तो हमको उसके शरीर का टोटल जो बोन होता है वो बिल्कुल लगता है बाहर निकला हुआ है इस डिजीज में। विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, तो विटामिन डिफिशियंसी डिजीज में हम लोग क्या देखेंगे, तो विटामिन के कमी के कारण जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो डिफिशियंसी ऑफ वेरियस विटामिन इन द ह्यूमन डाइट गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर्स, मतलब कि मनुष्य जो भोजन लेता है डाइट जो लेता है उस डाइट से उसे नंबर ऑफ विटामिन मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं जिसके कारण अगर नहीं जाता है वह लेस रहता है विटामिन तो नंबर ऑफ डिजीज होता है या डिसऑर्डर जो होता है वह ह्यूमन बींग्स में आता है। अब उसी में देखेंगे सम ऑफ द विटामिन डिफिशियंसी डिजीज आर, कुछ जो विटामिन के कमी के कारण जो डिजीज होता है उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी बेरी होता है, स्कर्वी होता है एंड रिकेट्स होता है। यह बीमारी जो है विटामिन ए बी सी और डी के कमी के कारण जो होता है डिफिशियंसी के कारण यह बीमारी जो होता है ह्यूमन बींग्स में आता है। कौन कौन देखे हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी एंड डिकेटस। तो यह हम लोग देखे, अब हम लोग एक में देखेंगे जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है किसके कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जो पर्सन होता है उस पर्सन को नाइट में क्या होता है दिखता नहीं है, या जहाँ डिम लाइट रहता है वहाँ यह देख नहीं पाता है सही से, तो उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस के रूप में कहते हैं। यह भी कहते हैं कि उसको विटामिन ए की कमी के कारण यह बीमारी हुआ है। तो हम लोग देखेंगे एक नंबर में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए वीकनेस आवर विजन, विजन मतलब होता है देख नहीं सकता है, विजन इन डिम लाइट, या इसमें बीमारी क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और हम लोग इसी चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए जो होता है वह इसका सोर्स क्या है, कौन चीज से मिलेगा हमको, जैसे अगर हम लोग गाजर खाते हैं तो उससे विटामिन ए मिलता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन, तो जैसे हम बतलाए थे कि पीछे वाले जो वीडियो है उसमें कि विटामिन जो होते हैं विटामिन बी जो होता है उसके कई फॉर्म होते हैं B1, B2, B6 ऐसे इसके फॉर्म है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन, इसके कमी के कारण जो होता है स्टूडेंट कौन सा बीमारी होता है, तो बेरी बेरी होता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी वन इन फूड कॉज ए डिजीज नॉन एज द बेरी बेरी, मतलब कि जब हमारा जो डाइट है उस डाइट में अगर विटामिन बी वन की कमी होगा उसके कारण जो बीमारी होगा उस बीमारी को किस नाम से जानते हैं हम, बेरी बेरी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें वीकनेस ज्यादा हो जाता है, हार्ट फेलियर का डर रहता है, मतलब हार्ट अटैक का डर रहता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जैसे बी वन के बारे विटामिन बी के बारे में भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका सोर्स कहाँ है, प्राप्त कौन चीज से होता है हमको, हम जो जितने भी क्या कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उससे भी हमको विटामिन बी मिलता है। अब हम लोग देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी स्टूडेंट, यह डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी जो होता है इसके कारण स्कर्वी नामक जो होता है बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, तो जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो हमारा जो टीथ का गम्स जो है उससे ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स या लूजिंग टीथ, हमारा जो टीथ हो जाएगा वह लूज हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा, यह विटामिन सी के कमी के कारण
होता है, स्कर्वी नामक बीमारी होता है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फोर में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि विटामिन डी जो होता है हमको फूड से तो मिलता ही है, लेकिन विटामिन डी हमको हमारे शरीर में भी इसका फॉर्मेशन होता है सनलाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हेल्प से क्या होता है हमारे शरीर में भी कुछ विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण रिकेटस नामक बीमारी होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो खून होता है वह कमजोर हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है, इसके कारण हड्डी जो जितने भी बोन है वो क्या होते हैं वीक हो जाते हैं। अब हम लोग देखें विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़।